अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर से नशीली कफ सिरप लाकर रीवा में बिक्री करने वाले को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राज सिंह नाम के युवक के रूप में हुई है, जो घूम घूम कर अपनी बुलोरो गाड़ी से नशीली कफ सिरप की बिक्री करता था। पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के जिवला के पास घेराबंदी कर आरोपी बुलोरो चालक को पकड़ा है, जबकि एक युवक भागने में सफल हो गया है। बताया जाता है कि राज सिंह का पूरा परिवार नशीली कफ सिरप के कारोबार में व्यस्त है। पुलिस ने कोरेक्स बिक्री के 37,000 और नशीली कफ सिरप बरामद की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से कारोबार चला रहे थे और कहां से सिरप लाते थे। आइए सुनते हैं थाना प्रभारी ने क्या जानकारी दी है। रतहरा क्षेत्र में लगातार शिकायतें आ रही थी कि एक राज सिंह नाम का आदमी है जो कि बाहर से नशीली कफ सिरप ला करके और व्यापार करता है, नई पीढ़ी जिससे बर्बाद हो रही है। और अभी वर्तमान में अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री महोदय नशा मुक्ति का, इस अभियान के तहत मुखबिर लगाए गए थे। आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि राज सिंह अभी बलेरो में घूम घूम करके और कोरेक्स बेच रहा है, फुटकर में लोगों को बेच रहा है, कुछ सप्लाई दे रहा है। इस सूचना पर घेराबंदी कराई गई उसकी, तो जीवला में उसके घर के पास ही बलेरो में दो आदमी दिखे, उसकी बलेरो में उसका पीछा किया गया और पुलिस को देखते ही वो अंदर के रास्ते में घुसा दिए। आगे बगीचा था, वहाँ जा करके कीचड़ में गाड़ी फंस गई, तो फिर एक आदमी तो छोड़ के भाग गया, एक आदमी को दौड़ के पकड़ा लिया गया। तो उसने बताया कि जो राज सिंह का सगा भाई है, ये पूरा परिवार ही कोरेस का काम करता है, तो सगा भाई है मनोज सिंह, इसको पकड़ लिया गया है। तलाशी ली गई तो गाड़ी में 30 CC कोरेक्स पाई गई और कोरेक्स बिक्री का 37,000 रुपये नगद ये पाया गया। और दूसरा जो भाग गया था उसको काफ़ी पीछा किया गया, लेकिन पानी गिर जाने से कीचड़ का अंदर था, इस कारण से वो मौके का फायदा उठाकर भाग गया। सर कुछ बताया आरोपी ने कितना माल लेकर आया था, कितना बेचा अभी तक? ये चूँकि पूरा माल जो है ये सहयोगी है, पूरा माल कहाँ से लाता है क्या करता है ये राज सिंह करता है, ये केवल अपने परिवार के अन्य भाइयों का और मोहल्ले के और कई लड़कों को उसने सहयोग में लगा के रखा है और लाने का पूरा वही बता पाएगा, क्योंकि इसके पूर्व में भी एक बार दो बार पकड़ा जा चुका है। तो वो प्रायः इलाहाबाद से माल लाता है, कभी बस में कभी अपनी जीप में, तो इस बार अभी अब वो जब मिल जाएगा तो सही जानकारी मिल पाएगी। तो ये भाई जो इसका सहयोगी है, जो इसके साथ मिल करके उसके धंधे में सहयोग करता है, वो बलेरो गाड़ी सहित और कोरेक्स और बिक्री के पैसे सहित ये पकड़ा गया है। सब बुलेरो के आर्मी भी लिखा हुआ अभी उसमें, क्योंकि पूर्व में वो पूरा जिससे ख़रीदा था वो आर्मी पर्सन था, तो जब अभी भी उसमें वो आर्मी ही लिखाए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ पास है गाड़ी, छत्तीसगढ़ में कोई आर्मी पर्सन थे, उन्हीं से इसने सेकेंड हैंड खरीदी।